चाहे विजय माल्या हो, चाहे वो मुकेश मोदी हो, तरह तरह के मोदियों ने, सुशील मोदी हो, इस देश के एमपीओ को खराब करने का काम किया है कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में घूम घूम कर केवल एक ही सवाल कर रही है, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो राहुल गांधी का भाषण, चाहे वो पत्रकारों को दिया गया अनिल अंबानी को, उन्होंने पूछा कि 824 करोड़ रुपया नारा है, अडानी के पक्ष में दाल 250 पहुंचा दी, अडानी को अरबों रुपया पैदा कराने के बाद फिर दाल के दाम नीचे गिरा दिए, तो पार्टी को 5 रुपया दे दो, 4.5 साल में 1800 करोड़ का जहाज अपना बिल्डिंग बना दिया आपने भारत। राफेल घोटाले में जिस तरीके से लीपा पोती की जा रही है, जिस तरीके से देश के आम जनमानस को गुमराह किया जा रहा है, आज पूरी तरीके से ये स्पष्ट हो चुका है कि राफेल दलाली में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा, अगर ये कहें कि नरेंद्र मोदी द्वारा अनिल अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उनके कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अपने जो उनके 10-12 मित्र हैं पूंजीपति उद्योगपति उनको लाभ पहुंचाने के लिए जिस तरीके से देश की सीमा और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है, उसके विरोध में कानपुर महानगर कांग्रेस कमेटी ने आज यहाँ पर धरना लगा करके विरोध दर्ज करा रही है। महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन प्रेषित करके राफेल घोटाले की जांच कराने की मांग करती है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि CBI के आलोक वर्मा जब राफेल घोटाले की जांच के लिए फाइलों को तलब कर रहे थे तो रातों रात उनको स्थानांतरित कर दिया गया, उनको पद से हटा दिया गया। इन दोनों ही मांगों को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं, धरने के माध्यम से अपने विरोध को दर्ज करा रहे हैं और राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित करके दोनों ही प्रकरण की जांच कराने की मांग करते हैं, दोषियों को सजा देने की मांग करते हैं। देखिए, क्या इस बार का लोकसभा चुनाव में राफेल घोटाला और भ्रष्टाचार कांग्रेस के लिए अहम मुद्दा होने वाला है? बिल्कुल, देखिए चुनाव तो अपनी जगह पर है लेकिन भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है, अगर भ्रष्टाचार को हम नहीं उजागर करेंगे, जिस तरीके से देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है, देश की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, इसके लिए हमें जो है सड़कों पर उतरना पड़ेगा, सड़कों पर संघर्ष करेंगे और चुनावी मुद्दा तो ये अपने आप बन जाएगा जब भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का काम करेंगे, अपने पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का काम करेंगे तो चुनाव में अपने आप ये मुद्दा उभर करके सामने आएगा। आगे मैं ममता तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कि आगे की कार्रवाई, कार्यक्रम का संयोजक रवीन शुक्ला मुन्ना जी, कमल जायसवाल जी और यहाँ पर बैठी और जिनके नाम हम भूल गए हैं उनसे माफी चाहते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत राफेल मुद्दे से करते हैं और जब की है तो मन की बात की है और सिर्फ अपने अपने मन की बात की, ट्वीट उनके मन की बात की। किस तरीके से कुछ चंद उद्योगपतियों के अडानी अंबानी अनिल अंबानी बंधु इन पे किस तरीके से लुटा दिया है, इसी क्रम में हम यहाँ सिर्फ मुद्दों पर बोले और अपना भाषण मुद्दों पे दें और संक्षेप में दें। इसी क्रम में हम बुलाना चाहते हैं हमारे बड़े भाई अशोक धानवी जी को, वो आए और अपनी बात रखें। आरो खबरेर अपडेट पेते सब्सक्राइब करुन आमादेर यूट्यूब चैनल टी और बेल आइकने क्लिक करुन नोटिफिकेशन्स पेते।